नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस की द्वारा जो GDS की भर्ती निकाली गई है 2022 की, उसके रिगार्डिंग यहां पर चर्चा कर रहा हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है नेगेटिव सोचते हैं, आज उन जो नेगेटिव सोचने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा जवाब भी दे रहा हूँ। एंड जो अभ्यर्थी बार बार कॉमेंट्स के जरिए पूछ रहे हैं, 5-6 अभ्यर्थियों के मैंने कमेंट्स लिए हैं, उनको मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं। उनके द्वारा जो कमेंट्स में प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी स्टूडेंट्स के हैं, सेम वैसे ही है। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS 2022 सभी अभ्यर्थियों के प्रश्नों के जवाब मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला कॉमेंट्स आया है, नाम लेकर बता रहा हूँ, विनय चौधरी जी है, ये कह रहे हैं थर्ड लिस्ट जारी होगा क्या, किस ऑफिशियल साइट पर लिखा है। विनय चौधरी जी इस बात को कह रहे हैं कि थर्ड लिस्ट जारी होगी क्या, ये कोई प्रूफ नहीं लिख रहा है, ना ही कोई ऑफिशियल साइट पर है। यानी कहने का मतलब इनका यही है कि आप बोल रहे हो कि थर्ड लिस्ट जारी होगी और हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर इस प्रकार का दे रखा है कि थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब सुनिए भैया जी, और किसी का इसकी सेम यही सवाल है तो वो भी क्लियर होने वाला है। एंड विनय चौधरी जी का जो प्रश्न है वो उसका तो आंसर मिल ही रहा है। देखिए भैया जी, जब सेकंड वेटरन लिस्ट जारी हुई थी, क्या उसके बारे में किसी को पता था? नहीं पता, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा था कि सेकंड वेटरन लिस्ट जारी होगी, ना ही कोई और प्लेटफॉर्म पर दे रखा था कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेकंड वेटरन लिस्ट जारी होगी, किसी को नहीं पता था। लेकिन हमें पता है क्योंकि हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बस यही है कि थर्ड वेटरन लिस्ट जारी होगी। ठीक है, सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप भरोसा कीजिए अभिषेक क्लासेस पर, अभिषेक क्लासेस आपके लिए बनी है, आपकी फीलिंग समझती है भैया जी। ठीक है विनय चौधरी जी, भैया जी अब देखिए नेक्स्ट जो कॉमेंट है वो है विवेक गौरी वाले का। विवेक गौरी वाले कह रहे हैं, हम कमजोर विकलांगों की कोई मदद नहीं करता है, आपने ध्यान दिया, आपका दिल से धन्यवाद, सच में आप हमारे सगे भाई हो, आपका दिल बहुत साफ है। ये विवेक गौरी वाले कह रहे हैं, PWD कैंडिडेट्स है ये। इनका कहना है, सर हमारी PWD जो अभ्यर्थी है हमारी कोई नहीं सुनता है, हम पहले से ही विकलांगता श्रेणी में आ चुके हैं, ना ही हमारी कोई भर्ती होती है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन आपने हमारी तरफ ध्यान दिया, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहे हैं। जी हाँ, PWD कैंडिडेट्स कान खोल कर सुन लीजिए, अभिषेक क्लासेस किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, सामान्य वर्ग से जो अभ्यर्थी है, सेम PWD वाला जो अभ्यर्थी है, हम बराबर रखते हैं। आपके लिए अगर आपको 4% सीट चाहिए इस GDS की, तो आपको साथ आना होगा, सभी PWD कैंडिडेट साथ आ जाइए, जल्द से जल्द हम आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं भैया जी। ठीक है, जो आपकी फीलिंग चल रही है, PWD अभ्यर्थी कान खोल कर सुन लीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। ठीक है, एकजुट आइए, एक मंच पर आइए, मुझे लगेगा कि हाँ अब PWD अभ्यर्थी एक साथ आ चुका है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेंट्स आ रहा है डीफ EZU का आ रहा है, वेस्ट बंगाल की थर्ड लिस्ट कब आएगी। अब देखिए, ये जो डीफ EZU का जो कमेंट्स है, इसी में सभी अभ्यर्थियों के कमेंट छिपे हुए हैं। ये पूछ रहे हैं वेस्ट बंगाल सर्किल की थर्ड लिस्ट कब आएगी। अब देखिए, बाकी सेम ऐसे ही कर रहे हैं, कोई राजस्थान की पूछ रहा है, कोई बिहार की पूछ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, अलग अलग सर्किलों के पूछ रहे हैं। देखिए, थर्ड वेटन लिस्ट जारी तो होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी राज्यों की या फिर सभी सर्कल की जारी होगी। कुछ ऐसे सर्कल है जिनकी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। ठीक है, ये आपके उस चीज पर डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने अभ्यर्थियों को फेल किया जाता है और कितनी रिक्त सीटें वहां पर बचती है, उसी के हिसाब से थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी होगी। तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी सुन लीजिए, वेटिंग लिस्ट तो जारी होगी, लेकिन आपके राज्य की मैं फिक्स नहीं बताऊंगा कि आपके राज्य की होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है भैया जी, अब नेक्स्ट जो कमेंट्स है वो है कृष्ण बंगारा का, ये पूछ रहे हैं 97% है 10वीं में, सर होगा कि या फिर नहीं होगा। 97% है सेकंड बैटन लिस्ट में, इनका नंबर नहीं आया है। ऐसे यही नहीं है, बहुत सारे है, 97 से भी ज्यादा है 10वीं क्लास में, उसका भी नंबर नहीं आया है सेकंड लिस्ट में, तो ये सोच रहे हैं क्या पता थर्ड लिस्ट में नाम आ जाए। देखिए भैया जी, इसका हम पुख्ता मोहर नहीं लगा सकते,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2022 की जो GDS भर्ती है इसमें 100% वालों का नंबर ज्यादा आया है। अब 100% वाले कैंडिडेट कहां से आ गए ये आप खुद समझदार हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए आप सब्र रखिए, लेकिन पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड मत रहिए, आगे का फोकस रखिए, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम जन्म हमने GDS के भरोसे ही थोड़ी लिया था भैया जी, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रमन सिंह बोल रहे हैं सर 73% है PWD में होगा या फिर नहीं होगा, तो रमन सिंह के जो कॉमेंट्स है इसी में PWD वाले अभ्यर्थी के सारे कॉमेंट छुपे हुए है। ये पूछ रहा है सर 73% है PWD कैटेगरी है क्या होगा क्या नहीं। देखिए PWD कैटेगरी की मैंने बता दिया है आपको, 4% अगर आपको सीट दे दी तो कहीं ना कहीं आपका भला हो जाएगा, इसी में सारा आपका मैटर छिपा हुआ है, समझदार बनिए, ठीक है। देखिए K2J पूछ रहे हैं कमेंट्स के जरिए सर संडे को ट्विटर कैंपेन करना, कोचिंग की छुट्टी है, मेरा 91% है। ये शायद PWD कैटेगरी से हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि हम PWD कैटेगरी से है, लेकिन हम ट्विटर कैंपेन की PWD वाले से बोल रहे हैं, तो शायद ये K2J इनका ओरिजिनल नाम तो पता नहीं है, भैया जी ओरिजिनल नाम से आप कॉमेंट्स करना, ठीक है। देखिए संडे की ये बोल रहे हैं, भैया जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, संडे की क्या है ऑफिस की छुट्टी रहती है सरकारी ऑफिस की, ठीक है, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की छुट्टी रहेगी संडे की, इसलिए ट्विटर कैंपेन हमको उसी दिन करना है जिस दिन ऑफिस चालू रहे, जिस दिन आप जब मेल करो आप ट्वीट करो तो ऑफिस के वालों के पास आपकी खबर पहुंचे, आपका हैशटैग पहुंचे, इसलिए संडे को इम्पॉसिबल है, ठीक है, जिस दिन छुट्टी नहीं रहेगी ऑफिसों की उस दिन करना पड़ेगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ठीक है। कोचिंग की छुट्टी है तो उसमें कोचिंग की छुट्टी नहीं रहती है बाकी दिन, तो घबराने की वाली बात नहीं है, ठीक है, आप टाइम इतना टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड का काम है, आपका काम हो जाएगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो कॉमेंट्स है AZ गेमिंग का, देखिए ये ओरिजिनल नाम से कॉमेंट्स क्यों नहीं करते हो भैया जी, अपना ओरिजिनल नाम दिया है ना माता पिता ने, उसी से कॉमेंट्स किया करो, ठीक है, फर्जी नाम से मत बोला करो। AZ गेमिंग बोल रहे हैं फिर न्यू वैकेंसी निकलेगी क्या। अब AZ जो गेमिंग है इससे अलावा ऐसे ही कमेंट्स बहुत सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं कि नई भर्ती आएगी क्या GDS की, जी हाँ बिल्कुल नई भर्ती आपकी GDS की 100% आएगी, जब आएगी अब इसे क्लासेस पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब अफवाह तो मैं नहीं दूंगा, अभी मैं बोल दूं कि कब आएगी, तो आप मैंने एक वीडियो भी बनाई थी न्यू भर्ती के बारे में, तो इतना टाइम नहीं है, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको सारा मालूम चल जाएगा नई भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, क्या कुछ प्रोसेसिंग है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये थे दोस्तों कमेंट्स जो बार बार सभी अभ्यर्थियों के कमेंट्स इसमें छुपे हैं, ठीक है। अब किसी भैया का नाम मैंने नहीं लिया है, आपसे मैं विनती करता हूं, आपसे मैं माफी चाहता हूं, आपके कमेंट्स ही इसी कमेंट्स में छुपे हैं, आपको जवाब अवश्य मिल गया होगा। अगर आपको जवाब नहीं मिला है तो इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर आप मेरे से अलग से पूछ सकते हैं। अब जो बोल रहे थे सर रोज रोज वीडियो बनाते हो आप GDS के भरोसे, क्या आपके कहने पर चलना पड़ेगा हमें, बेचारे जो कमेंट्स कर रहे हैं बार बार इनकी नहीं कौन सुनेगा, PWD वालों की नहीं सुनेगा, जिसका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया उसकी कोई नहीं सुनेगा, आप कहते रहिए, आपसे आप कितने भी कमेंट्स करते रहिए, इन जैसे अभ्यर्थियों का साथ दूंगा, जो पॉजिटिव कमेंट करेगा, जो सच्चे मन से तही दिल से मेरा जो है साथ देगा, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहूंगा। अभी से क्लासेस बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और कर्तव्य निष्ठा के साथ एक बेरोजगार अभ्यर्थियों को सही रास्ता दिलाऊं और उसको जो झूठी अफवाह दी जाती है, झूठी जो ऑफिशियल जानकारियां दी जाती है, उसका मैं पर्दाफाश करूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना, आपका छोटा बड़ा भाई हूं, आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, लाइक कर देना इसे, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी कोई और समस्या है तो इंस्टाग्राम पर आइए, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।